हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो साइबर त्रुटि यूट्यूब चैनल और मैं भानु सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो यार आज का जो टॉपिक है यार, आज से ना बहुत ही बढ़िया सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसकी मैं पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बना दूंगा अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली हम लोग ना बेसिक से हैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हैकिंग सीखने से पहले हम लोगों को अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, मतलब बेसिक से पूरे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आज जो है, आज से हम लोग ये जो है ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके कितने टाइप्स होते हैं वो बिल्कुल बेसिक से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यार वो बिल्कुल ही बेसिक से है, ठीक है। तो उसके लिए चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, लेकिन उससे पहले मेरी जो बेसिक से, मतलब मेरी जो बिल्कुल पता नहीं कैसी जो पर्सनैलिटी है ना, मैं उस हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। तो मैं ना सबसे पहले बताने वाला हूँ, एक कहानी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यार दो बंदों को जान लेते हैं, ठीक है, बेसिक से। अब ये मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, एक ये ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। ये दो बंदे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये यार काम करने में ना बिल्कुल लेजी पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेजी है, ठीक है। और ये जो है यार बहुत ही हार्ड वर्कर है, ठीक है, ये बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है। और ये जो है लेजी है, मतलब ये जो है ये हार्ड वर्क भी तभी करता है जब हम लोग इसे कमांड देंगे, मतलब ये जो है जब ये बंदा इसको ऑर्डर देगा तभी ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। और ये वर्क तो बहुत हार्ड करता है, मतलब हार्ड वर्क जो है बहुत ज्यादा वर्क कर सकता है, जो भी इससे बोलोगे वो ये कर सकता है, लेकिन तब जब इसे कोई बोलता है कि भैया ये वर्क कर दो तब ये वर्क करेगा, ठीक है। और ये जो है ये किसी भी मायने में यार वर्क तो ये कर सकता है, ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है ये बहुत ही लेजी पर्सन है, ठीक है। और इसके पास रुपए पैसे भी बहुत है, ठीक है, बहुत अमीर बंदा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो है ये कमांड देगा इसे, ठीक है, इसको पता है कि ये कौन सी कमांड से चलेगा, लेकिन ये इसकी जो कमांड्स है वो बहुत ही हार्ड है, ठीक है, इसकी जो कमांड्स है वो बहुत ही हार्ड है। और ये क्या चाह रहा है कि नहीं मुझे इजी, इससे इजी वे चाहिए कि भैया मैं थोड़ा सा इससे बोलूं और ये पूरा काम कर दे, मुझे इसकी कमांड जो है वो पूरी ना बोलनी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए ना एक थर्ड पार्टी बंदे को ये रख लेता है, ठीक है, एक थर्ड पार्टी बंदे को, ठीक है। इसके पास पैसा बहुत था, सोचा आप क्या किया जाए, एक थर्ड पार्टी बंदे को नौकरी पर रख लिया, ठीक है, जॉब पर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बस इससे बोल देता है कि भैया मुझे ये काम कराना है, मुझे सब्जी मंगवानी है, तो ये उससे बोलता है कि भैया आपको ना मार्केट जाना है, मार्केट जाकर सब्जी, ये सब्जी लेनी, मान लो आलू ले लिया, बैंगन ले लिया, जो भी लेना है, ठीक है। इससे बोलता है कि भैया ये सब लेना है तुमको। और ये बंदा क्या करता है, फिर जब ये इतना ऑर्डर देता है ना, ऑर्डर तो बड़ा हो गया, अब ये बंदा क्या है वो तुरंत, मतलब हार्ड वर्कर है ना, तो तुरंत ही सामान लेता है और भैया फटाफट ना ये डायरेक्टली इसे देता है, और ये क्या करता है इसे दे देता है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, एक बहुत ही कम खर्चे में ना ये बहुत ही ज्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यार मुझसे कहोगे यार फालतू की ये बकवास क्या कर रहे हो, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे क्या मतलब है ना। तो सिंपल सा है, मैं पहले ये बता दूं कि ये जो बंदे हैं तो वो है कौन से, ठीक है। ये जो है हार्डवेयर है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये यूजर है, ठीक है। आप कहोगे भैया यूजर तो हमें पता है, हार्डवेयर तो पता है, लेकिन जो ये बंदा जो थर्ड पार्टी मैंने बोला था ये कौन है, है ना। तो ये पड़ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका जो मेन वर्क है वो क्या होता है कि भैया आप ना बिल्कुल छोटा सा काम, इससे ना बहुत बड़ा काम करवाना होता है, और हमें ना बिल्कुल छोटी सी कमांड देनी होती है कि भैया आपको ना दिस पीसी के ऊपर क्लिक करना होता है, वरना फिर बहुत ज्यादा कमांड इसमें रन करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस इसी का यूज जो है वो ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, जो हमारा कंप्यूटर है उससे ना हम क्या करते हैं कि उसे बहुत ही छोटी कमांड देते हैं कि भैया ये मुझे काम करवा दो, और
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हार्डवेयर से बोलता है कि भैया ये मुझे करके दे, ठीक है, ये मुझे करके दे, ठीक है। तो इससे हमें क्या लाभ हो रहा है, ठीक है, हमें क्या मतलब ऐसा प्रॉफिट कौन सा हो रहा है जो हम हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करें। तो इससे जो हमारा प्रॉफिट है वो यही है कि भैया मुझे ना ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा, मैं अमीर बंदा हूँ, मुझे कोई वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चुन रहा हूँ जिससे कि ये जो है ये इससे मुझे काम ना ज्यादा करो, मतलब हमें ज्यादा बोलना ना पड़े, मुझे ज्यादा इससे बकवास ना करनी पड़े, ठीक है। तो सिंपल सी वे में है जो ये जो यूजर है और हार्डवेयर है तो उसके बीच में एक कड़ी के रूप में जुड़ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि इसकी कनेक्टिव जो ये इसका कनेक्शन होता है इसको यार बहुत ही आसान 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 तरीका कर देता है, ठीक है, जिससे ना ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये मतलब यूजर और हार्डवेयर, ठीक है, ये दोनों क्या कर सकते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी कि मैंने एक कमांड बोली और इसने क्या किया पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखकर रख दिया, ठीक है। और ये हुआ किसके माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, ओएस के माध्यम से, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, ठीक है, यूजर और जो हार्डवेयर होता है उसके बीच का इंटरफेस होता है कि भैया मैं ना तुम्हारा काम जो है वो बहुत ही इजी तरीके से कराने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से। तो अब इसकी जो हम लोग यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, बेसिक फंक्शनैलिटीज हम लोग जान लेते हैं कि बेसिक फंक्शनैलिटीज आखिर है क्या, ठीक है। और मैंने वैसे तो मैंने बता रखी है कि बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब विस्तार से अगर जो जानना है तो मैंने कुछ लिख रखी हैं बेसिक फंक्शनैलिटीज, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली ये जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब आप अगर जो यूजर हो, ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सॉरी, ये हार्डवेयर है, तो आप क्या करोगे एक प्रोग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है, आप बिल्कुल मतलब प्रोग्राम बनाओगे, वैसे तो प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है, मतलब प्रोग्राम अगर जो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो, ठीक है, मतलब प्रोग्राम अगर जो बना रहे हो आप तो आप क्या करोगे बेसिक सा इसमें प्रोग्राम लिखोगे। और अब प्रोग्राम लिखने के लिए अब हार्डवेयर जो होगा वो तो भैया समझेगा मशीन मशीन लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस है, मान लो असेंबली लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन लेकिन अगर जो यार आपसे बोल दिया जाए कि भैया मशीन लेवल लैंग्वेज को आपको लिखना है तो यार बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होगी, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं किसी भी लैंग्वेज में यार लिख लेते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हैं कि भैया मुझे इसका आंसर दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो बोलता है भैया आप ना मुझे ये वाला प्रोग्राम मुझे दे दो और मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ करके आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे प्रोग्राम ले लिया और उससे पूछ करके मतलब जो भी करे वो आपको आंसर दे देता है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर आ जाता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है यार, ये जो दो टॉपिक है ना ये बहुत बड़े टॉपिक है, ठीक है, मैं अगर जो इस वीडियो में चाहूँ कि ये दोनों टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर दूँ तो यार बिल्कुल भी नहीं क्लियर हो सकते, आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, ठीक है, इसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छे से मतलब वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग मतलब अगर जो आप किसी भी टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो, मान लो आप किसी भी टाइप का मान लो C++ या C या Python किसी का भी यूज करके अगर जो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, मान लो सॉफ्टवेयर बनाया या फिर सॉफ्टवेयर बनाया या फिर गेम बनाया, ठीक है, तो उसमें ना एक रिसोर्स लगता है, चाहे वो एरेस का रिसोर्स हो, चाहे वेरिएबल्स का रिसोर्स हो, चाहे जिस चीज़ का रिसोर्स हो, ठीक है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिसोर्स की शेयरिंग करता है विद द हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर के साथ में मिलकर, ठीक है। तो उसके लिए ना हमें मतलब बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो मेन मेजर ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं, ठीक है, तो वो है कन्वेंस, ठीक है, कि कौन सी हमें सुविधा मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, ठीक है। तो जो मतलब सुविधा है वो सबसे मेजर
ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है कि भैया अगर जो हमें किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो हम उसका यूज किस लिए करेंगे, है ना। अगर जो मुझे कोई सुविधा ही नहीं है तो उस चीज का मैं यूज क्यों करूं, है ना। मैं डायरेक्ट हार्डवेयर को नहीं यूज कर सकता हूं अगर जो कोई सुविधा ही नहीं है, ठीक है। तो यार आज का जो टॉपिक था यार, मेरी समझ से यार बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया होगा और क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। और जो मेन चीज है वो ये है, ठीक है, इनके जरिए ही ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मतलब पता चलता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, मेन चीज।